हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टॉक मार्केट एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज राहुल। आज हम लोग सेल स्टॉक का एनालिसिस देखने वाले हैं। वैसे तो ये स्टॉक निफ्टी 50 का पार्ट है और आप देख सकते हैं ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक प्राइस बैंड के नीचे पे ट्रेड कर रहा था। इस स्टॉक को एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जिसके नीचे कंटिन्यूअसली ये ट्रेड कर रहा है। 2011 से लेके 2024 तक के एक ही प्राइस बैंड पे इसने ट्रेड किया है जो 120 रुपीज से लेके 23 रुपीज का है। 23 इसलिए आया है क्योंकि कोविड के टाइम पे ये स्टॉक गिरा था। उसके बाद इसने अपसाइड पे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था लेकिन सेम ट्रेंड लाइन से इसको रिजेक्शन मिला था। उसके बाद वापसी से ये अभी उसी ट्रेंड लाइन के पास फिर से ट्रेड करने के लिए रेडी हो चुका है, स्पेंड कर रहा है टाइम। अभी आपका प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए? अभी आपको जब ये 128 का लेवल निकालेगा तब आपकी एंट्री होनी चाहिए। प्रीवियस स्विंग के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड पे टारगेट कितना होना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको ये दिख जाता है कि एंट्री कहाँ होनी चाहिए और स्मॉलर टाइम पे ये दिख जाता है कि आपकी स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि 108 के पास या 105 के पास आप स्टॉप लॉस रख के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कितना टारगेट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए कितना टारगेट होना चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो स्टॉक के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ड्रास्टिकली एकदम से मूव कर जाएगा। मिनिमम टारगेट जो है, पहला टारगेट आपका जितना भी आप स्टॉप लॉस रखेंगे 105 रुपीज से लेके 128 रुपीज का आप जो स्टॉप लॉस रखेंगे 26 रुपीज का, पहला टारगेट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं तो आपका वो रहेगा 26 रुपीज का, जो एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस पॉइंट के पास इसको हिट करेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म का टारगेट देख रहे हैं या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या आप एज अ स्विंग 6 मंथ या 12 मंथ के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा मल्टीबैगर बन सकता है। 100 रुपीज के इसके कंसोलिडेशन बॉक्स की रेंज है। अगर इसने अपसाइड पे ब्रेक किया, जैसा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक कर चुका है और ये क्लोजिंग दे चुका है, यहाँ पे अपसाइड पे ब्रेक करेगा तो आपके 100 रुपीज का मिनिमम टारगेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ से होना चाहिए, जो एग्जैक्टली इसके सेकेंड रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आएगा यहाँ पर। उसके बाद थर्ड इसके पास ये है कि ऑल टाइम हाई भी अपना टच करने के लिए जा सकता है। स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ज्यादा बुलिश दिख रहा है, निफ्टी 50 का भी पार्ट है। कहीं से कहीं तक स्टॉक में ऐसी कोई रिस्क कैपेसिटी नहीं दिख रही है। डेप्थ टू इक्विटी एंड ऑल फंडामेंटल्स भी चेक किया, सब कुछ सही है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पुराने वीडियोस जाके देखिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।